जींद में कल राज्य स्तरीय तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अनाज मंडी में जो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचकर वहां मौजूद 30,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे और खुद अपनी हाथों कोथली देंगे। जी हाँ, 5 जिलों के सामान से ये तैयार हो रही है कोथली, और ये अलग तरह की कोथली है। कुछ लोग जो इस खबर को सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कोथली क्या होती है। तीज में दरअसल हरियाणा में खास तौर पर कोथली दी जाती है, और ये बहनों के, महिलाओं के सम्मान में दी जाती है। और इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो ये कार्यक्रम की तस्वीरें, अभी तैयारी चल रही है, कल ये कार्यक्रम होगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग झूले लगाए गए, रंग बिरंगे झूले यहाँ पर दिखाई देंगे, महिलाएं वहाँ पर झूल सकेंगी। और ये तीज का त्यौहार इसलिए महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। महिलाएं इस दिन सखी सहेली साथ मिलकर झूलती हैं, झूला झूलती हैं, उनकी कोथली आती है उनके घर से, उनके मायके से उनकी कोथली आती है। तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बात समझते हैं, और महिलाओं के सम्मान में वो खुद 30,000 महिलाओं को कोथली देंगे। इसमें सूट भी होगा, इसमें बिंदियाँ भी होंगी, इसमें मिठाइयाँ भी होंगी। इस कोथली की ये निराली बात है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता की, देखिए। हरियाणा के जींद में कल तीज महोत्सव मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम होगा, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और जो पंडाल है उसको दुल्हन की तरह जो है सजाया गया है, यानी कि जो जींद की नई अनाज मंडी है जहां पर यह कार्यक्रम होगा उसको दुल्हन की तरह सजाया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, तो तस्वीरें जो ऊपर की तरफ का हिस्सा आप देखेंगे तो वहाँ पर रंग बिरंगी लड़ियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं, और तमाम जो कुर्सियाँ हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। और कल के कार्यक्रम को लेकर जो है अधिकारी और यहाँ पर जो कर्मचारी है वो दिन रात जुटे हुए हैं। पिछले सोमवार से ही इस कार्यक्रम की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई थी। इस कार्यक्रम में तकरीबन 30,000 महिलाएं जो हैं वो हिस्सा लेंगी, और सम्मान पूर्वक जो है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी उन 30,000 महिलाओं को कोथली देंगे। और इस कोथली में 5 जिलों से जो है सामान मंगवाया गया, यानी कि 5 जिलों से इस कोथली को तैयार किया जाएगा, जिसमें रोहतक के सूट होंगे तो वही जींद के पतासे भी होंगे, वही कर्ण नगरी की बिंदिया जो है उस कोथली में होंगी, यानी कि अलग अलग जिलों की से जो है ये कोथली का सामान जो है वो तैयार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ की अगर हम इसी पंडाल की अगर बात करें तो यहाँ पर 101 रंग बिरंगे झूले जो हैं वो लगाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो महिलाएँ आएंगी वो झूलों का आनंद जो है यहाँ पर उठाएंगी। और इसके साथ साथ जो भी लोग इस कार्यक्रम में कल आएंगे तो उनको हरियाणवी व्यंजन भी यहाँ पर चखने को मिलेगा, जिसके लिए तकरीबन 20 से 30 स्टॉल जो हैं वो लगाई गई हैं। और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो जो ये व्यंजन जो है हरियाणवी व्यंजन जो बनाए जाएंगे उनको तैयार कर रही हैं, और इस कार्यक्रम को लेकर जो है जींद की नई अनाज मंडी को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। ग्राउंड जीरो से खबरें अभी तक के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।